बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और कई छोटी पार्टियों को साथ लाकर आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन तो मजबूत कर लिया है, मगर अब चुनौती सीटों के बंटवारे की है, जिसके मद्देनजर अब कुशवाहा समेत महागठबंधन के कई नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही अस्पताल में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आगामी चुनावों पर उनकी पैनी नजर है। इन दिनों रांची का रिम्स बिहार में महागठबंधन की रणनीति का केंद्र और लालू यादव रणनीतिकार बन गए हैं। उनसे मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी मंथन के बीच आज पहले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि हमने बिहार और झारखंड में महागठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं है, इसलिए इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। वहीं उनके साथ ही तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी लालू से मुलाकात की। बेटे तेजस्वी और लालू यादव के बीच क्या बातें हुई इसका तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने मुलाकात के बाद बताया कि लालू ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि महागठबंधन में सभी को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है, एनडीए को हराना, और हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर नेता लालू से मिलने पहुंचे थे, जहां आज लालू ने सहयोगियों को भरोसा दिलाया, साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।